तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? फिर से स्वागत है आपका एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। आज आप देख रहे हो, मैं आया हूँ ट्रंप के शोरूम पे। कुछ नहीं, राहुल भाई का ग्लव्स फंस गया। फिलहाल आप देख रहे हो, मैं आया ट्रंप के शोरूम पे और सामने आपके ट्रंप स्पीड 400 देख ही रहे हो कैसे मॉडल, और पीछे आगे पूरा लुक देख लो आप। तो फिलहाल लुक कुछ इसका इस तरीके से है। मैं आपको इसका एक बार मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ, मीटर देखो कैसा है। देखो, सॉरी, आप नहीं आ रहे ना? आप भी आ रहे हो क्या? अच्छा, चलो चलो, हाँ, पकड़ के बैठना, मैं भगाऊंगा, मैं भगाऊंगा। क्या बोला तूने? तभी तो देखूंगा सही चल रही है कि नहीं चल रही। घर की बाइक है। घर की नहीं है, तभी तो भगाऊंगा इसको। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं है, तभी तो भगाऊंगा इसको। वो तो चल, गलत देखो, वो तो चले गए आगे, हम साला घूम के आ जाएंगे 2-4-10 किलोमीटर। तो फिलहाल बाइक पे बैठ गया हूँ और पीछे अपने राहुल भाई, देखते हैं क्या लुक है। फिलहाल तो अभी इसका क्लच है जो थोड़ा बहुत स्मूथ है। चलो, इस फिलहाल रस लग रखा है, रस से निकले फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका, मतलब स्पीड टेस्ट भी करता हूँ कहाँ तक भगती है। वैसे ज़्यादा तेज़ तो नहीं भगाएंगे यार, बहुत ट्रैफिक है। भाई लोग रुके हुए हैं क्या, उनको लगता है मैं इनकी बाइक लेके भाग जाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, मैं रोकूंगा थोड़ी, आप देखना। फिलहाल राहुल भाई ने हेलमेट नहीं लगा रखा, ये बहुत गड़बड़ की बात है। फिलहाल जो हमारा ये टेस्ट राइड होने वाली है, करीब 4 किलोमीटर की होने वाली है, इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिसिंग मार रही हो, थोड़ा रस रोड है। इसकी बात बात जो इसका अट्रैक्शन है, आप देख रहे हो लैग थोड़े मेरे मुड़े हुए हैं, थोड़े बीच टाइप में, यहाँ से ऐसे नीचे है लैग। और बाकी इसकी पैचिंग देख रहे हो, ट्रंप की पैचिंग है, वो निकाल के ले गए। चेक करता हूँ चौथे गियर में एक बार कितनी तेज बन गया। सौ बीस गई है छठे गियर पे, जाने को और भी ज़्यादा जाती। कह रहा हुआ गलत बंदों के हाथ में बाइक दे दी। एक मिनट इसका आरपीएम भी चेक कर लेते हैं। बस यूटर्न लेके वापस एक बार चक्कर लगाए आते हैं। अच्छा, ऊपर ही लेना है, ये सही है। तो दोबारा उसी पुल पे जा रहे हैं, मैंने अभी आपको स्पीड दिखाई, करीब रस उड़ता 120 आराम से चली गई। फिर 410 सीसी इंजन भी है, करीब 410 सीसी इंजन भी तो भग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं भग रही, सही चल रही है। इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, मतलब ये देखो क्लच बहुत स्मूथ है, क्लच और ब्रेक भी बहुत सही है। पीछे वाली ब्रेक भी, आगे पीछे दोनों डिस्क है, और उसमें अपोलो के टायर दिए हुए हैं। फिलहाल बढ़िया चल रही है, मतलब कुछ ना एक होता है, जैसे कि मैं हंटर चलाता हूँ, जो मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, मैं हंटर चलाता हूँ, हंटर का भी करीब जो अपनी स्टार्टिंग में जो पिकअप होता है ना,
बहुत सही जाती है, फिर अपना शौक के बाद ना थोड़ा रुक जाती है, मतलब भगती नहीं है शौक के बाद। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सही। इसकी ब्रेकिंग भी मैंने चेक करी जस्ट अभी, बहुत सही ब्रेकिंग है, सही चल रही है ब्रेक। और बाकी बस मैं इसके बस नुकसान बता रहा, नुकसान यही है कि इसका स्पेयर पार्ट मेरे अकॉर्डिंग सही जल्दी नहीं मिलेगा स्पेयर पार्ट, और शोरूम भी यहाँ सर्विस सेंटर भी आपको दूर दूर मिलेगा। तो अभी तो करीब इसका जो प्राइस होने वाला है ऑन रोड प्राइस आपका अप्रोक्स 280 के करीब होने वाला है, 2,80,000 इसका जो प्राइस होने वाला है। बाकी 360 से शॉट बन रहे हैं, राहुल भाई पीछे बैठे पड़े हैं। और अगर कुछ भी आपको कोई भी क्वारी लेनी है या आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जितना हो सकेगा मैं बता सकूँगा। और वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी अपने अकॉर्डिंग, जितना हो सके, साला BMW वाला, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने पूरी जानकारी दी है। और आप बताना कि कैसी लगी बाइक ये, फिलहाल कमेंट में खड़ी कर देते हैं इसको। फिलहाल साउंड की एक बार आवाज़ सुना दूँ आपको, एक मिनट रुकना। हाँ वही मैं चेक कर रहा था, फैन यहीं से चल गया पीछे से, क्यों कंटिन्यू सुबह से चल रही है ना, तो टेम्परेचर इसकी आ गई है। अच्छा 89 टेम्परेचर में चल रही है। कितना 89 है? 89 टेम्परेचर। अच्छा मेरे को जैसे कस के पकड़ी हूं, मैं धीरे चलाऊंगा बाकी। हाँ रास्ता तो पता चल गया इसलिए। तो बाकी लुक कुछ इस तरीके से आप जैसा देख रहे हो, और फुल है, मतलब सही बाइक है, आप ले सकते हो। वो आपके ऊपर इसका देख रहे हो चैन स्टॉक, जो चैन पॉकेट है आपका राइट साइड में है, और इधर इसके डिस्क लेफ्ट साइड में है। और देख रहे हो गोल्डन कलर का दिया हुआ है, बहुत सही। तो ये भाई भी टेस्ट राइड के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो इस ब्लॉग का हम यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और शोरूम तो यही है।